नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवकांत और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के कोई भी एप्लीकेशन ऐप या गेम को व्हाट्सएप से कैसे शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसके लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता होगी। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में आपको ऐसा ब्लैक कलर का एक इसका आइकन दिखाई देगा। फिर आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसा ही आप इसको ओपन करोगे, आपको ये कुछ इस प्रकार नजर आएगा। दोस्तों आपको यह फाइल या फोल्डर्स आपको जो नज़र आ रही है, इन फोल्डर को क्या करना है, आपको स्लाइड करके साइड में कर देना है। फिर आपको एंड्रॉइड मोबाइल में अपने जो भी एप्लीकेशन या गेम आपके इंस्टॉल किए हुए होंगे उसे भी आपको यहाँ नज़र आने लग जाएगी। फिर आपको इनमें से एक को किसी को जो भी आप भेजना चाहो उसको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सेलेक्ट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर प्रेस करके रखना होगा। जैसे मान लीजिए क्रोम ब्राउजर है, अब हमें इसको भेजना है तो इसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये मार्क हो जाएगा। फिर आपको पहला नंबर पे एक लॉक का आइकन नजर आ रहा होगा, दूसरे नंबर पे डिलीट का, तीसरे नंबर पे जो आपको आइकन नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसका बैकअप हो जाएगा, बैकअप यानी इसका बैकअप बन जाएगा अपने मोबाइल फ़ोन में। बैकअप बनने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि बैकअप बना है या नहीं, तो दोस्तों ये इसके बहुत ही छोटी सी सीधी ट्रिक है कि जो आपको ये ग्रीन कलर का इसका नाम है, ये ग्रीन कलर का हो गया है, पहले इसका वाइट कलर का था। जिसका ग्रीन कलर का है उसका बैकअप बन गया है और जिसका वाइट है उसका बैकअप नहीं बना है। और जो ये दो और आपको इसके अलावा नज़र है इसका मैंने पहले बना के चेक किया था, इसलिए इसका ग्रीन है। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र का नाम ग्रीन हो चुका है यानी इसका बैकअप तैयार है। अब आपको करना क्या है, इस ऐप के बाहर आ जाना है। अब आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। जैसे मैं अपने फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ, फिर आपको यहाँ फ़ोन स्टोरेज को ओपन कर लेना है। फिर आपको बैकअप नामक से एक फोल्डर नजर आएगा, इस बैकअप को ओपन कर लेना। ऐप्स पे क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रोम ब्राउजर। दोस्तों ये वो ऐप है जिसका मैंने अभी बैकअप बनाया था। तो अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आपको इसका रीनेम कर देना है, यानी इसका नाम है जो उसको चेंज कर देना है आपको। लास्ट के अंदर आपको एपीके इसका लिखा हुआ नजर है, इसको हटा देना है। हटा के आपको लिखना है ओनली टेक्स्ट TXT, इतना सा लिखना है। फिर आपको डन कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो दोस्तों आपकी जो फाइल थी वो टेक्स्ट फाइल के रूप में बदल चुकी है, यानी अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल नहीं हो सकती, ये इसको भेजा जा सकता है। आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो। अब भेजेंगे कैसे ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो इसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। बाद में आपको नीचे से एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये व्हाट्सएप का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। फिर आपको व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है, फिर ये व्हाट्सएप आपकी ओपन हो जाएगी। फिर आपको जिस दोस्त को आप भेजना चाहो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं आपको भेज के बता देता हूँ, तो ये फाइल बड़ी थोड़ी लोडिंग लेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये फाइल जा रही है और कुछ समय बाद में ये चला जाएगी। और आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि ये आपको फाइल चले तो जाएगी दोस्तों, अब इसका यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जैसा मान लीजिए आपको इस प्रकार ये आपके दोस्त को या आपको इस प्रकार ये फाइल प्राप्त हो तो इसका यूज कैसे करना है ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको वापस इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ इसका रीनेम चेंज करना है, यानी जो आपने टेक्स्ट लिखा था अभी इस टेक्स्ट को हटा देना है और इस टेक्स्ट की जगह आपको APK लिख देना है। इसके बाद फिर इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये फाइल अब इंस्टॉल के लिए तैयार है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार इसका यूज किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।